रितेश और जेनेलिया देशमुख के दो प्यारे से बेटे हैं और उन दोनों प्यारे से बेटों को एकदम से बाहों में ले खड़े हैं बर्थडे बॉय सलमान खान। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि भाईजान सलमान खान का बर्थडे था कल यानी 27 दिसंबर को और ये बर्थडे वो शेयर करते हैं अपनी भांजी आयत शर्मा के साथ। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आयत का फर्स्ट बर्थडे था और इस फर्स्ट बर्थडे पर उनके बहुत से दोस्त आए थे, नन्हे मेहमान आए थे और उनमें शामिल थे रियान और राहिल देशमुख जी। दोस्तों यानी जेनेलिया और रितेश के नन्हे से प्रिंस। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों राजकुमार भी आए थे बर्थडे पर और इस बार सलमान खान का बर्थडे और भी ज़्यादा खास था क्योंकि वो अपनी भांजी के साथ मना रहे थे और इस बार रितेश देशमुख ने एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है हैप्पी बर्थडे भाऊ एट सलमान खान। और सलमान खान है जिन्होंने उनके दोनों बेटों को बहुत ही प्यारे तरीके से बाहों में लिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये तो रितेश के विशेष थे, जेनेलिया ने भी आयत को विश किया है और उन्होंने एक प्यारी सी फोटो डाली है जिसमें आयत ने रेड कलर का फ्रॉक पहना है और जेनेलिया ने उनको गोद में उठा रखा है और वहाँ पे बहुत ही लंबा सा प्यारा सा कैप्शन लिखा है जेनेलिया ने और वो कहती है हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू यू आयत, हमारी डॉल, हमारी परी। और उन्होंने ये भी लिखा है कि अर्पिता खान शर्मा और आयुष को उन्होंने बधाई भी दी है और कहा है कि आप हमें फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इस प्रकार से आयत और सलमान खान का बर्थडे मन गया है, पर आप कितने खुश हैं? आपने अगर तस्वीरें नहीं देखी है तो देखिए और बताइए हमें कि आपको कितना पसंद आया इनका सेलिब्रेशन इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।